भारत सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद पूरे बिहार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आम आदमी से लेकर के खास सभी भारत सरकार के इस फैसले को बधाई दे रहे हैं और स्वागत योग्य बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जिले के पितोझिया गाँव के रहने वाले थे, जो वर्तमान में कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी यानी कि आज के दिन ही महान समाजवादी नेता का जन्म हुआ था। यह सम्मान और इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा किए जाने के बाद उनके परिवार में काफी खुशी देखने को मिल रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और राज्यसभा के सांसद रामनाथ ठाकुर ने यह सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 36 वर्षों से वो मांग कर रहे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके लिए वो भारत सरकार को बधाई देते हैं। आप सबों के द्वारा जो मालूम हुआ टेलीविजन पर जो मैंने सुना तो मुझको खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, क्योंकि 36 वर्षों तक मैं मांग करता आ रहा था लेकिन उस पर विचार नहीं किया। एकाएक 100वां वर्ष पूरा होने के बाद एक दिन पहले भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित।